हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बजाज के पल्सर P150 के बारे में एक रिव्यू करके बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, पल्सर P150 आपको टू वेरिएंट में देखने को मिलेगी, एक सिंगल चैनल ABS और एक डुअल चैनल ABS। और फ्रेंड, ये 10 कलर के ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, एक दो नहीं, पूरे 10 कलर ऑप्शन। और फ्रेंड, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है, माइलेज कितना देती है, इसका टॉप स्पीड कितना है, इसका ऑन रोड प्राइस कितना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन में। फ्रंट सेक्शन में यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का दो पॉइंट देखिए, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। उसके नीचे में यहाँ पर जो बल्ब देख रहे हैं हेडलैम्प, वो फुल LED के साथ आते हैं। और साइड में जो इंडिकेटर दुआ है, वो भी आपको LED में देखने को मिलेगी, साइड इंडिकेटर। अब आते हैं इसके नीचे में, रेड कलर, ग्लॉसी रेड कलर में आप इसका मडगार्ड देख सकेंगे, जो बहुत ही शानदार लग रही है। और साइड में जो आप सस्पेंशन देख रहे हैं, 31mm टेलीस्कोपिक सस्पेंसर। और इसका जो टायर है, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगी, 90x90 फ्रंट टायर है। और इसका जो डिस्क साइज है 260mm। यहाँ पर आपको ABS का ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, साइड में आपको रिफ्लेक्टर देख सकेंगे। अब आते हैं इसके इंजन पर। यहाँ पर आप ब्लैक कलर के फिनिश के साथ इंजन देख सकेंगे। इसका इंजन कैपेसिटी है 149.68 cc। और इसका जो पावर प्रोड्यूस करता है 14.29 bhp 8500 rpm के साथ। इसका टॉर्क है 13.5 Nm 6000 rpm के साथ। यहाँ पर आप कंपनी फिटिंग आप यहाँ पर लेग गार्ड देख सकेंगे। और साइड में यहाँ पर जो आप गियर ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वो है 1 down 4 आप। और फ्रेंड्स, इसका जो इंजन है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI इंजन आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक पर। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसका टैंक ग्लॉसी रेड कलर के साथ आपको देखने को मिलेगी। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 40 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। साइड में यहाँ पर जो पल्सर लिखा हुआ है 3D फिनिशिंग, 3D फिनिश के साथ आप देखने को मिलेगी। और अब आते हैं इसके राइट साइड हैंडल बार में। राइट साइड हैंडल में पासिंग स्विच, पीछे में डिपर स्विच, यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, और नीचे में आप हॉर्न स्विच देख सकेंगे। और राइट साइड हैंडल बार में आप रेड कलर के फिनिश के साथ इंजन ऑन ऑफ स्विच, और नीचे में सेल्फ स्टार्ट स्विच आप देख सकेंगे। अब आते हैं इसके मीटर पर। यहाँ पर जो आप मीटर देख रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल प्लस एनालॉग, बहुत ही शानदार लुक के साथ इसका मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो अब आते हैं इसके सीट पर। सीट जो आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और शानदार लुक के साथ आपको ये सीट देखने को मिलेगी, जो स्प्लिट सीट के साथ आती है। और फिर इसका जो सीट हाइट है 790mm, यानी कि जो इसका हाइट कम है, उसको भी बहुत ही कंफर्ट आप राइड कर सकेंगे। साइड पर यहाँ पर P150 का ब्रांडिंग आप देख सकेंगे। अब आते हैं इसके नीचे में, जो साड़ी गार्ड आप देख रहे हैं, वो कंपनी फिटिंग साड़ी गार्ड आपको देखने को मिलेगी। रियर साइड में जो आप रेड कलर का सस्पेंशन देख रहे हैं, वो मोनोशॉक सस्पेंशन है। और अब आते हैं इसके टायर में। रियर साइड में जो आप टायर देख रहे हैं, वो ट्यूबलेस MRF की टायर देखने को मिलेगी, जो आपका 110x80 70 in का टायर आप देख सकेंगे। और रियर साइड में जो आप डिस्क देख रहे हैं, उसका साइज है, डिस्क साइज 230mm डिस्क आप देखने को मिलेगी। अब आते हैं इसके बैक साइड में। बैक साइड में जो आप ग्रैप रेल देख रहे हो, स्प्लिट के साथ स्प्लिट ग्रैप रेल आपको देखने को मिलेगी। और जो रियर साइड में जो आप टेल लैम्प देख रहे हो, भी फुल LED फिनिश के साथ आती है। यहाँ पर इस पोर्शन में आप नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। और बैक साइड में जो आप इंडिकेटर देख रहे हो, भी LED लाइट के साथ आप देखने को मिलेगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके माइलेज पर। इसका जो माइलेज है, वो है आपको 45 km/L आप इसको माइलेज देखने को मिलेगी। और इसका जो टॉप स्पीड है 115-120 km/h आप इसका टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। इसका जो कर्व वेट है 140 kg। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वेस्ट बंगाल साउथ दिनाजपुर गंगनापुर में, वो है 1,38,700 rupees ओनली। और फ्रेंड्स, अगर आपके ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।